अब अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र बसु के दाम्पत्य जीवन पर टिप्पणी लिखिए। दाम्पत्य क्या होता है? दंपत्ति होता है पति पत्नी का जोड़ा, और उनका जो गृहस्थ जीवन होता है, जो मिलकर वो अपना जीवन बसर करते हैं, उसको दाम्पत्य जीवन कहते हैं। उस पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है, 1887 ईस्वी में उन्होंने प्रसिद्ध वकील दुर्गा मोहन दास की सुपुत्री अबला दास के साथ दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया, उनके साथ शादी की थी। विवाह के समय उनकी पत्नी अबला दास मद्रास मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शास्त्र का प्रशिक्षण ले रही थी, किंतु इनके जीवन संगनी बनने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अबला एक सुचरित्रा समाज सेविका तथा प्रेक्षक भी महिला थी। अपने दाम्पत्य जीवन में उन्हें एक तीव्र झटका लगा जब उनके प्रथम नवजात शिशु की मृत्यु हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र बसु द्वारा विद्युत तरंग पर किए गए शोध पर प्रकाश डाले। जगदीश चंद्र बसु ने विद्युत तरंग पर बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने शोध किए थे। सन 1885 में बसु ने शॉर्ट रेडियो तरंगों की भी खोज की थी। इन्होंने पटसन के सूक्ष्म रेशों जैसे सूक्ष्म सामग्री से विद्युत तरंगों के ध्रुवण को ग्रहण करने वाले उपकरण बनाने में भी सफलता प्राप्त की थी। उसकी सहायता से विद्युत उपकरण रिसीवर तैयार किया। उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा वायुमंडल में वायरलेस की तरंगों के अस्तित्व को सिद्ध किया। बसु के बेतार का यह आविष्कार सन 1885 में कोलकाता नगर भवन में पुष्टिपूर्ण शोध कार्य मान लिया गया। उन्होंने यह कार्य अपने स्वनिर्मित उपकरणों से विद्युत तरंगों को दो कमरों की दीवार पार करके तीसरे कमरे में पहुंचाकर एक तोप व एक पिस्तौल चलाकर बारूद के ढेर में विस्फोट करके दिखाया। जगदीश चंद्र बसु पाठ से अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र बसु के पिता ने उन्हें अंग्रेजी माध्यम की बजाय बंगला व हिंदी की जानकारी रखने पर बल दिया था, क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि पहले मातृभाषा का ज्ञान होना जरूरी है और बाद में अन्य भाषाओं का। दूसरा क्वेश्चन है, सेंट जेवियर स्कूल कोलकाता में बसु का क्या अनुभव रहा? सेंट जेवियर स्कूल कोलकाता में यूरोपीय तथा भारत में रह रहे अंग्रेज छात्र पढ़ते थे। जगदीश चंद्र ने उनसे मित्रता की तथा उनकी भ्रांत धारणाओं व चुनौतियों का सामना किया। वहां भी विज्ञान की चीजों के बारे में जानकारी एकत्र करने में प्रायः व्यस्त रहते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में बसु को कम वेतन क्यों दिया जाता था? उन्हें अपना पूरा वेतन कैसे मिला? प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में बसु को हिंदू अंग्रेज भेदभाव के चलते अंग्रेज प्राध्यापकों की तुलना में आधे से भी कम वेतन दिया जाता था। उन्होंने अवैतनिक प्रोफेसर के रूप में कार्य करके इसका विरोध किया, यानी उन्होंने कहा कि मुझे वेतन चाहिए ही नहीं, यानी कि असहयोग आंदोलन आप इसको कह सकते हैं। अवैतनिक वेतन लिए बिना उन्होंने पढ़ाया। उनके इसी अनोखे संघर्ष के परिणाम स्वरूप 3 वर्ष बाद उन्हें गत 3 वर्षों का पूरा वेतन मिल गया। अगला क्वेश्चन है, बसु के शोध पूर्ण भाषण और कार्यों की प्रशंसा करते हुए फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस के अध्यक्ष ने क्या कहा था? बसु के शोध पूर्ण भाषण और कार्यों की प्रशंसा करते हुए फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस के अध्यक्ष ने कहा था कि आपको अपनी प्रजाति की परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहिए, जो विज्ञान और कला की मिसाल थी। फ्रांस में हम सब आपकी प्रशंसा करते हैं और उत्तरोत्तर उन्नति करते रहने की कामना भी करते हैं। आपका पाठ है 8वां और जो कि महात्मा बुद्ध के ऊपर है, उसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं यहाँ पर। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म 562 ईस्वी पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था? माँ का नाम महामाया और पिता का नाम सुदोधन था, और सुदोधन शाक्य कुल में उत्पन्न एक बहुत बड़े राजा थे। जहाँ सिद्धार्थ को सत्य का ज्ञान हुआ वह स्थान कहाँ है और किस रूप में प्रसिद्ध है? जहाँ पर उनको सत्य का ज्ञान हुआ था वह स्थान बोध गया बिहार में है। आज यह स्थान विश्व की अमूल्य धरोहर के रूप में प्रसिद्ध है। जिस पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें सत्य का बोध हुआ था वह बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध आज भी बोध गया में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने धर्म और उपदेश कहाँ दिया था? उन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश ऋषि पतंजलि दाव में दिया था। आजकल यह स्थान सारनाथ के नाम से जाना जाता है। अब महात्मा बुद्ध के पाठ में से अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन यह बनता है कि किस घटना से पता चलता है कि वो बचपन से ही दयालु थे। एक बार महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ और उनका भाई खेल रहे थे
तो जो उसका भाई था उसने कंस को तीर मार दिया। तीर मारने से वह छटपटाने लगा। महात्मा बुद्ध से ये देखा नहीं गया और उन्होंने उसका इलाज किया। और लेकिन उसका भाई कहने लगा कि इसको मैंने मारा है, ये मेरा शिकार है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों राजा के पास जाते हैं और राजा को उससे पूछते हैं कि मारने वाला बड़ा होता है या बचाने वाला बड़ा होता है। तो राजा ये सब जो वो भी धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि मारने वाले से तो बचाने वाला ही बड़ा होता है। और अंत में ये निर्णय भी दे दिया जाता है कि जो हंस है उसी के ऊपर छोड़ दो, वो जिसके पास जाएगा हंस उसी का है। और हंस भी कहा जाता है कि हंस भी सिद्धार्थ के पास ही गया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के अष्ट मार्ग का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। उन्होंने जो आठ मार्ग बताए थे अपने धर्म में वो कौन कौन से थे? बुद्ध का अष्ट मार्ग पुरोहितों के फेर तथा झूठे आडंबरों से बचकर निर्वाण प्राप्ति का मार्ग था। इस मार्ग की आठ आदर्श बातें निम्नलिखित थी। नंबर एक, सम्यक दृष्टि अर्थात सत्य व असत्य की पहचान की दृष्टि, सम्यक संकल्प बुराई को त्यागने का पवित्र संकल्प, सम्यक वचन अर्थात मृदु वाणी बोलना, कोमल मधुर वाणी बोलना, झूठ निंदा व अप्रिय वचन का परित्याग कर देना, परित्याग मैंने छोड़ देना, सम्यक कर्म अर्थात मनुष्य का कर्म अहिंसा इंद्रिय संयम और दया भाव पर आधारित हो, सम्यक आजीविका अर्थात जीवन यापन के लिए उचित एवं पवित्र साधनों का ही वो प्रयोग करे, सम्यक प्रयत्न अर्थात शारीरिक एवं मानसिक इच्छाओं को त्यागने का प्रयत्न करे, सम्यक स्मृति अर्थात मनुष्य को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि उसका शरीर भी नश्वर है, मिट जाएगा, सम्यक समाधि अर्थात शाश्वत शांति के लिए चिंतन की समाधि। तीसरा क्वेश्चन है, बुद्ध के द्वारा पहचाने गए सत्य क्या है? चार सत्य है, संसार दुखों का घर है, दुखों का कारण मनुष्य की तृष्णा एवं लालसा है, तृष्णा पर विजय पाकर दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है, अष्ट मार्ग तृष्णाओं पर विजय पाने का सरल उपाय है। पाठ में से अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा था? एक सन्यासी का खिला हुआ चेहरा देखकर सिद्धार्थ पर घरबार छोड़ने की धुन सवार हो गई। रोग बुढ़ापे और मरण के दुखों से छुटकारे तथा शाश्वत शांति की खोज के लिए उस समय यही एक मार्ग माना जाता था। विवाह के 13 वर्ष बाद उनके यहाँ पुत्र हुआ। घर में खूब खुशियां मनाई गई, उत्सव मनाए गए, लेकिन सिद्धार्थ को यह खटका सदा लगा रहता था कि इस सुख का क्या ठिकाना है, आज है कल नहीं होगा। इसलिए वह ऐसे सुख की खोज में थे जो सदैव एक सा बना रहे। इसी शाश्वत सुख की खोज में वे एक रात अपनी पत्नी और पुत्र को सोया हुआ महल में छोड़ करके चले गए सन्यासी बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मध्यम मार्ग से क्या अभिप्राय है? महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में एक मार्ग अत्यंत विलास का है और एक अत्यधिक तप का है। उनके अनुसार एक तीसरा मध्यम मार्ग भी है जो न अत्यंत विलास का है और न अत्यंत तप का है, बल्कि दोनों के बीच का ही वह मार्ग उनका देखा हुआ है।